सैमसंग Z Fold 4 आज आ गया है स्टूडियो में तो इसको करते हैं अनबॉक्स बॉक्स की बात करूं तो छुटकू पुटकू सा बॉक्स है चार्जर यहां पे भी आपको नहीं मिलेगा चाहे आप डेढ़ लाख का फोन लो तो यहां पे सबसे पहली चीज बॉक्स की बात करें तो ऊपर ही फोल्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा तो अब बॉक्स खोलते हैं अपने फोल्डेबल फोन को निकालते हैं बाहर वन टू एन थ्री यहाँ पे है अपना सैमसंग जी फोल्ड फोर रैप के अंदर कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं वो भी देख लेते हैं प्रोडक्ट मैनुअल यूएस बी सी केबल सिमेजेक्टर टूल ये तो हो गया बॉक्स का कॉन्टेंट अब रैप निकालते हैं और ये है मेरा फेवरेट पार्ट तो और मेरे पास जो कलर है यह है ग्रे ग्रीन कलर इसके अलावा दो कलर आपको और यहाँ पे मिल जाते हैं जहां पे है बेज और ब्लैक ग्रे ग्रीन जो है ये बहुत ही कमाल का कलर लगता है देखने में और इससे पहले भी यही कलर मैं हमेशा ऑप्ट कर रहा था तो वाह अब बटन की अगर बात करें बॉटम की बात करें तो काफी सारे नेटवर्क बैंड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक माइक्रोफोन यूएस बी सी बोर्ड आपके फोन को चार्ज करने के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए और ऊपर आपको दिख रहा है स्पीकर अब अगर आ जाए फ्रंट साइड में यहाँ पे भी काफी सारे नेटवर्क बैंड हमें दिख रहे हैं और सबसे पहली जो चीज यहाँ पे दिख रही है यह पावर बटन और इसके अंदर ही हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और इसके ऊपर है हमारा वॉल्यूम रॉकर की वॉल्यूम रॉकर की इसके बिल्कुल ऊपर हमें फाइव जी एंटीना दिख रहा है जो की है एमएम वेव वाला एंटीना तो फाइव जो फास्टर होता है उसको ये सपोर्ट करता है और उसके साथ ही अगर हम दूसरी साइड देखें तो यहां पे हमें दिख रही है हमारी सेम ट्रे यूएल सेम फोन है ये तो यहाँ पे दो नैनो सिम्स आप यूज कर सकते हो या फिर एक नैनो सिम और एक ई सिम आपके पास है इसका ऑप्शन टॉप पे अगर आ जाए टॉप पे तीन माइक्रोफोन्स हमें दिख रहे हैं एक स्पीकर हमें दिख रहा हैं और काफी सारे नेटवर्क बैंड्स यहाँ पे भी हैं अगर एक चीज की मैं बात करूं जो कि जी फोल्ट थ्री से डिफरेंट है वो है यहाँ पे जो इसका डिजाइन है इस बार ये काफी ज्यादा स्क्वेर है जो जी फोल्ट थ्री था वहाँ पे ये चीज हल्की हल्की राउंड थी बट यहाँ पे पूरे तरीके से स्क्वेयर इन्होंने कर दिया और हाथ में पकड़ा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला फोन गैप की बात करोगे तो आप लोग देख ही सकते हो कितना कम गैप है यहाँ पे इन दोनों के बीच में और अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग की बात करोगे वो भी इस बार काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है पहले वाले फोन के कंपैरिजन में और इस बार ये जो हिंज है ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है पहले वाले Z Fold 3 के कंपैरिजन में एक बहुत ही पॉलिशड फोन है बट अभी भी जो फोल्डेबल हैं वो मेन स्ट्रीम तो नहीं हो सकते हर किसी के लिए नहीं है बट अगर आपके पास पैसा है और आपको लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट चाहिए मार्केट में जी फोल्ड फोर जो है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव फोन है बट बहुत ही कमाल की चीज है जब आप इसको लेके घूमते हो तो डेफिनेटली हर किसी की नजर जरूर जाती है इसके ऊपर और फटाफट फड़ से इसको ऑन कर लेते हैं और सेटअप करते हैं अपने फोन को सैमसंग और पूरी सेटअप प्रोसेस के टाइम पे अगर कोई स्पेशल चीज होगी जो मुझे लगेगा आपको दिखाना चाहिए तो वो मैं आपको दिखाऊंगा वरना सारे स्टेप जो है मैं स्किप कर दूंगा और होम स्क्रीन पे हम आ गए हैं अगर मैं मेन डिस्प्ले की बात करूं तो सेवन पॉइंट सिक्स इंचस का डायनेमिक एमोलेट स्क्रीन हमें यहाँ पे मिलते हैं। जो कि एस 10 प्लस वगैरह को सपोर्ट करती है 120 ट्वेंटी हर्ड का रिफ्रेश रेट मिल जाता है तो ये सारी चीज आपको दिखाता हूँ स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो क्रीज है वो अगर आप फोल्ड करते हो तो आपको कुछ ज्यादा ही क्लियर यहाँ पे दिखेगी डेफिनेटली जो रहता है फोल्डेबल फोन के अंदर बट वाइट स्क्रीन के अंदर जो क्रीज है हल्की हल्की दिखेगी बट इस बार एक अच्छी इंप्रूवमेंट जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि चाहे मैं फिंगर भी इसके ऊपर स्कोल कर रहा हूँ मुझे जो क्रीज है वो फील नहीं हो रही है तो ये पहली बार हो रहा है क्योंकि फोल्डेबल्स के अंदर जो क्रीज है वो डेफिनेटली आप नोटिस करते हो जब आप स्क्रोल करते हो बट यहाँ पे वो जो चीज है बहुत ही ज्यादा मिनिमल है और इसके साथ ही जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है ये जब आप व्हाइट कलर की स्क्रीन में देख रहे हो तब ये आपको चमकेगा वरना ये जो कैमरा है बिल्कुल ही हिडन है और ऐसा ही हमें एक्सॉन फोर्डी अल्ट्रा के अंदर देखने को मिला था वहां पे इससे भी ज्यादा हिडन था देखना ही बड़ा मुश्किल था बट यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर लाइट ही चमक रही होगी इस जगह पे तो ये है अंडर डिस्प्ले कैमरा फोर मेगा वाला अब आगे बढ़ते हैं आप और जैसा हर फोल्डेबल फोन में होता है यहाँ पे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इन चीजों का आपको ख्याल रखना है जब आप ये वाला फोन यूज कर रहे हो जैसे कि कोई भी शार्प चीज आपको इसके साथ यूज नहीं करनी है कॉइन वगैरह को स्क्रीन के बीच में नहीं रखना है वरना स्क्रीन जो है वो खराब हो सकती है तो हमारा जो जी फोल्ड फोर है वो हो चुका है अब कंप्लीटली सेट अप अब सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को सेटअप वो मैंने अभी तक नहीं किया था तो फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए ये जो आपका पावर बटन है इसके ऊपर हमने थम को लगाओ तो फिंगरप्रिंट जो है वो हमने कर लिया है अब सेटअप अब एक बार देखते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो कितना अच्छे से काम करता है एक बार अब मेन स्क्रीन पे भी तो तेज है बट थोड़ा सा टाइम लेता है रजिस्टर करने को इसकी अगर कोई सेटिंग होगी तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ फिंगरप्रिंट के बाद बात कर लेते हैं कैमरा सेंसर्स की बैक में हमें ट्रिपल लेंस कैमरा लेआउट दिख रहा है प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस है अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल एंड थर्ड लेंस है यहाँ पे टेलीफोटो लेंस और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है टेन मेगा अगर हम आ जाए कवर डिस्प्ले वाले कैमरा के ऊपर तो ये जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पे ये है टेन मेगा का और यहाँ पे ये जो अंडर डिस्प्ले कैमरा हमें मिल रहा है ये है फोर मेगा अब कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए तो वो पिक्चर्स देखते हैं और आप लोग खुद जज करो कि कैसी है इसकी क्वालिटी ये पिक्चर्स है प्राइमरी कैमरा से 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलता है पर्चर है एफ वन और 23 थ्री mm का फोकल लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे जो पिक्चर्स है मैंने मैक्स क्लिक की है एक ये पिक्चर है जहाँ पे मैंने मेन्यू क्लिक किया हुआ है तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो और आप खुद जज कर सकते हो इसके बाद स्विच करते हैं हम लोग अल्ट्रा वाइड के ऊपर अल्ट्रा वाइड में हमें 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाता है पर्चर है एफ टू पॉइंट टू और वन ट्वेंटी थ्री मिलीमीटर्स का फोकल लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाता है और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है तो आप खुद चेक कर सकते हो जो डिटेल्स है मुझे काफी अच्छी लग रही है और ये सेम कैमरा है जो हमें एस के अंदर मिलता है और इसके बाद एक बार आप चेक कर लेते हैं टेलीफोटो लेंस जिसके अंदर हमें थ्री ऑप्टिकल जूम मिलता है टेन मेगा का टेलीफोटो लेंस हमें यहाँ पे मिल जाता है पर्चर

बहुत ही बुरी है बहुत ही बकवास क्वालिटी है इसकी और इसके बाद अगर फ्रंट कैमरा की बात हो ही रही है तो कुछ और पिक्चर्स जो मैंने आउटसाइड क्लिक की है यह फोर मेगा पिक्सल वाले अंडर डिस्प्ले कैमरा से इसके बाद अगर मैं वाइड एंगल पे जाऊं तो अभी आप देख ही रहे हो यह टेन मेगा पिक्सल वाला और इसके बाद एक क्लोजअप पे आ जाते हैं हर तरीके की पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है तो आप खुद जज कर सकते हो कि कैसी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप लेते हो Z Fold 4 अपने लिए कैमरा के बाद आप सबसे मेन चीज पे आ जाते हैं फोल्डेबल के बारे में वो होती है इसकी स्क्रीन तो स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट जो हमें कवर डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और अगर आप की बात करोगे, तो अभी भी ये इतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप इसको रेगुलर फोन के कंपेरिजन में यूज करो चाहे आपके पास सैमसंग का कोई, फोन हो, कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो रेगुलर फोन यूज कर रहे हो या फिर आप आईफोन यूज कर रहे हो उसके बाद अगर आप इस फोन पर आओगे तो आपको टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि डेफिनेटली वाइड है बट वाइड इनफ नहीं है जितना हमारे रेगुलर फोन आज के टाइम में होते हैं तो की बोर्ड का साइज आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कितना छोटा सा की है तो अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे बट टाइपिंग के अलावा अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो बहुत ही ब्राइट स्क्रीन है मुलेट स्क्रीन है वन ट्वेंटी वाला पैनल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्क्रीन है इंटरनल और कवर डिस्प्ले दोनों ही 120 ट्वेंटी को सपोर्ट करते हैं तो स्मूथ आपका पूरा ऑपरेशन रहने वाला है यहाँ पे जैसे सैमसंग के टचेस होते हैं वही वह जैसे यहां पे एक छोटा सा टास्क बार आ जाता है जिसको आप कंफिगर कर सकते हो अपनी नीड्स के हिसाब से ये आपको मिल रहा है ऊपर आपको टेन मेगा का कैमरा मिल ही रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया है तो जी फोर्ट थ्री के मुकाबले में जो स्क्रीन है मुझे ज्यादा बेटर लग रही है थोड़ी सी वाइड भी है ये और यहाँ पे बेजल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं यार इस वाले फोन में और एक बार फिर से हिंज की बात कर लेते हैं क्योंकि जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जो हिंज है वो बहुत ही इस बार अच्छी

इस फोन के बारे में अब जिनके पास ये वाला फोन है वो लोग हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई नहीं हम लोग इतने टाइम से यूज कर रहे हैं बट द रियल थिंग इज इस फोन को अगर आप ले रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस कुछ करने पड़ते हैं हाँ यूज टू तो आप किसी भी चीज के हो जाते हो बट फिर भी ये रेगुलर फोन जितना कंफर्टेबल नहीं है मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता रहा हूँ इस फोन का सिर्फ एक ही फीचर है कि ये फुकरी मारने के लिए बहुत अच्छा है पंजाबी में जैसे बोल देते हैं तो अगर आपको शोशेबाजी करनी है दिखाना है ये फोन लोगों को तो उसके लिए बहुत अच्छा है उस पर्पज में बट अभी भी फोल्डेबल को आप मेन स्ट्रीम के कंपैरिजन में नहीं रख सकते हो बट फोन जो है, अच्छा है, आपके एक्स्ट्रा पैसे है आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए तंगी है एक चीज इसके अलावा और बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पे कि जो क्रीज है इस बार वो फील नहीं होती है जब आप इस तरीके से उसके ऊपर भी हाथ फेरते हो तो जी फोल्ड जितनी क्रीज जो है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी कुछ एंगल्स के ऊपर ये जो क्रीज है आपको दिखेगी बट अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो गया आप आराम से यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही स्टडी वाला फोन लगता है और इस बार सैमसंग ने आईपीएक्स रेटेड भी कर दिया है तो अगर आपका फोन डेढ़ मीटर पानी के अंदर तीस मिनट तक भी रहता है तो भी इसको कुछ नहीं होगा तो जो वाटर रेजिस्टेंस बना दिया है इस बार इन फोन्स को ये एक बहुत ही अच्छी चीज है फोल्डेबल्स के अंदर बट अभी भी डस्ट प्रूफ नहीं है डस्ट वगैरह अगर इसके अंदर गई कोई भी छोटा मोटा कचरा है और आपने फोन बंद किया तो स्क्रीन के खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे हैं और यहाँ पे इस बार एक नई चीज जी फोल्ड फोर के अंदर आई है कि एक टास्क बार हमें नीचे बॉटम में ही मिल जाता है तो यहाँ से आप एप्स वगैरह जो है शॉर्टकट्स वगैरह जो है उनको रख सकते हो तो ये एक अच्छी चीज है और एक टाइम पे तीन एप्स को आप यूज कर सकते हो आई डोंट नो किसको यूज करनी है बट अगर आप करना चाहो तो वो ऑप्शन है आपके पास जैसे मान लीजिए मुझे एक और ऑप्शन करना है कैमरा भी ऑन करना है तो तीन ऐप्स जो है आप एक टाइम पे एक ही फोन के अंदर यूज कर सकते हो तो ये जो है ये काफी अच्छी चीज लगी फोल्ड के अंदर अब इतनी बड़ी स्क्रीन है तो इसके काफी सारे यूजेस आप कर सकते हो जैसे मान लीजिए जै मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ और कैमरा के साथ ही मुझे क्रोम भी चलाना है तो आप देख सकते हो कि मैं आराम से जैसे भी करना चाहूँ यूज कर सकता हूँ कैमरा चलाते चलाते क्रोम भी चला सकता हूँ तो ये जो मल्टी मिलती है हमें इस फोन में ये बहुत ही कमाल और क्रीज वगैरह जो है ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है उसके अलावा जो हिंज है वो काफी स्टडी लग रही है पहले वाले फोन के कम्पेरिजन में और क्योंकि मैंने लॉन्च डे वाले दिन ही ये फोन ले लिया था तो मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है फ्री में मिली है जैसे सैमसंग ईयरबर्ड ये केस और ये जो केस है इसके साथ ही हमें एस पेन भी मिल रहा है तो ये है पेन जिसको हम यूज कर सकते हैं इस फोन के साथ उसके साथ उसके ही अब केस को भी निकाल लेता हूं मैं तो ये है अपना केस इस फोन के लिए और ये सैमसंग का अपना केस है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो कुछ ऐसा लगेगा केस के साथ आपका Z Fold 4 और यहाँ पे आपको किक स्टैंड भी मिलता है तो अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो तो एक किक स्टैंड को आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से या ऐसे जैसे भी आप देखना चाहो मूवी देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और अगर आप चाहो तो ये पूरी चीज़ जो है इसको आप डिटैच कर सकते हो और ये जो किक स्टैंड वाला पोर्शन है इसको निकाल सकते हो और इसकी जगह फिट कर सकते हो इस एस पेन को कुछ इस तरीके से तो अब आपका जो एस पेन का होल्डर है वो भी बन गया तो एस पेन जो है इसको आप बड़े ही मज़े से यूज़ कर सकते हो अपने जी फोल्ड ओके okay, साथ अब सारी चीजें आपको बता दी आप स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं तो स्नैप ड्रैगन एट प्लस जेन वन प्रोसेसर हमें यहाँ पे मिल जाता है तीन स्टोरेज वेरिएंट आ जाते हैं टू फिफ्टी सिक्स एंड वन टेराबाइट रैम जो है वो अक्रॉस द बोर्ड ट्वेल्व जीबी ही रहने वाली है प्राइस स्टार्ट होता है वन लैख फिफ्टी से अगर आप फाइव वाला वर्जन लेना चाहते हो जी फोल्ड फोर का इंडिया के अंदर तो आपको प्राइस पे करना होगा वन और अगर आप लेना चाहते हो वन टेराबाइट वाला वर्जन तो उसका जो प्राइस है इंडिया में वो है वन लाख एटी

और ये है सारी स्पेसिफिकेशन सारी चीजें आपको बता दी अब एक बार वीडियो खत्म करने से पहले अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे क्या पसंद आया क्या नहीं पहली चीज ये वाला जो फोन है जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही पॉलिश लग रहा है बहुत ही अच्छा फोन है एंड मैं दो दिन से अभी इस फोन को यूज कर रहा हूँ और जहां भी मैं जा रहा हूँ लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा फोन है जो ओल्ड लोग होते हैं ना वो ज्यादा पूछते हैं कि क्या चीज है ऐसे क्यों खुल रहा है क्या है क्या नहीं तो ओल्ड लोगों में ज्यादा क्यूरियसिटी होती है इस फोन को लेकर उसके अलावा अभी भी ये अनकंफर्टेबल ही है और जब भी मुझे कोई चीज करनी है तो बार बार मुझे ये जो फोन है स्क्रीन को ओपन करना पड़ता है फिर यूज करना पड़ता है और एक हाथ से आप इस फोन को यूज नहीं कर सकते अगर आपको टाइप करना है तो दोनों हाथ से ही करना पड़ता है तो ये एक अनोइंग चीज है कैमरा अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना डेढ़ लाख के फोन में होना चाहिए एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा अगर आप लोगे तो उसमें भी आपको इससे अच्छा कैमरा मिल जाएगा जो कि इससे काफी सस्ता फोन है तो ये जो फोन है डेफिनेटली सेकेंडरी फोन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा पैसे है। वरना आप इसको अभी स्किप ही करो तो ज्यादा बेटर रहोगे मैंने शुरू में भी कहा था मैं अभी भी कह रहा हूं मैंने पिछले साल भी कहा था ये जो फोन है हर किसी के लिए नहीं है बहुत ही कम लोगों के लिए और अगर आप उनमें से एक हो तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए अगर आप पहले से फोल्डेबल यूज कर रहे हो बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक आईफोन मैं एक सैमसंग फोन को छोड़कर फोल्डेबल के ऊपर जाऊं तो वो मत करना आप काफी ज्यादा तंग हो जाओगे और ये थी मेरी एक वीडियो जो कि छोटी तो नहीं है थोड़ी लंबी डेफिनेटली हो गई है सैमसंग के Z Fold 4 के ऊपर आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा ये वाला फोन मुझे बताना कॉमेंट में और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो शेयर करो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय